बच्चों अभी तक हमने काइनेमेटिक्स में दो सेक्शन कवर कर लिए। पहला सेक्शन तो एक ही लेक्चर का था जिसमें मैंने बेसिक्स इंट्रो दिया था काइनेमेटिक्स क्या होता है। सेकंड सेक्शन में हमने सारे बेसिक डेफिनेशंस कवर की थी जिसमें कि पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें कवर की थी और उनके ग्राफ्स भी समझे थे। अब थर्ड सेक्शन हमारा है जो कि स्पेसिफिकली कॉन्स्टेंट या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से डील करता है। बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपने 9th क्लास में सीखा होगा जिसमें आपने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होंगी, बट एक्चुअली उन तीन को यूज करके हम टोटल 6 इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन बना सकते हैं। वन बाय वन समझते हैं कैसे आएंगी वो। तो सबसे पहले हम AT ग्राफ को जरा ऑब्जर्व करें। तो आपका देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो AT ग्राफ की जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो लाइन ये ऊपर बनेगी, अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो लाइन आपकी नीचे बनेगी। तो फिलहाल हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन को यूज करके हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो AT ग्राफ है उसकी एरिया आपको क्या प्रोवाइड करती है, चेंज इन वेलोसिटी, राइट। तो पहले मैं यहाँ पे एरिया देख लूँ अगर कितनी होगी, तो एरिया मुझे इस रेक्टेंगल की निकालनी है। रेक्टेंगल की हाइट कितनी है आपके एक्सेलरेशन के बराबर, ये एक्सेलरेशन ए, और रेक्टेंगल का बेस कितना है टाइम के बराबर, मान लो टाइम टी लगा है यहाँ पे, तो एरिया आपकी हो जाती है AT। अब एरिया जो आपका होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है ना। सो v माइनस यू, यहाँ पे v क्या है आपकी वेलोसिटी एट द टाइम t, और u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जब आपने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया t इक्वल टू जीरो पे जो वेलोसिटी थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी इक्वल टू u हम मान लेते हैं, ठीक है। तो v माइनस यू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा AT, या तो आप इसी फॉर्म में छोड़ दो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस AT, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन जो आपने 9th क्लास में भी सीखी हुई, आई होप आपको याद होगी। अब आप बोलोगे बच्चों कि सर अब नेगेटिव एक्सेलरेशन की एक और इक्वेशन बनाते हो वो होगा यहाँ पे एक ही जगह में माइनस साइन डालना है। मैं बोलूंगा नहीं, ये जो फॉर्मूला है बच्चों आपका, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊं, अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वो प्लस फाइव होगा मान लो, है ना। तो आप इक्वेशन लिख सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस फाइव टी, ठीक है, मैंने a की जगह प्लस फाइव डाल दिया। लेकिन अगर आपका एक्सेलरेशन मान लो माइनस फाइव है तो आपको क्या लिखना है, v इज इक्वल टू यू प्लस a की जगह आप डालोगे माइनस फाइव, तो आपकी बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस फाइव इंटू टी, तो ये आपका बन जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस फाइव टी, ठीक है। तो ये सेम इक्वेशन में बस आपको a को प्रॉपर साइन के साथ रिप्लेस करना है। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलता है तो आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन लेके यहाँ पे रिप्लेस करना है। नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए अलग से फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला यूज करो। अब हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिलेगी। अब देखो आपका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ना, इसका जो स्लोप होता है दैट इज एक्सेलरेशन, और वो भी कॉन्स्टेंट है, करेक्ट। तो अब ये आपका ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन की एरिया मुझे क्या देगा बच्चों, इस स्ट्रेट लाइन की एरिया मुझे देगा डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मेरा एरिया निकालूं कैसे, तो यहाँ पे आप देखो आपके पास ये जो शेप दिख रहा है ये एक ट्रेपीजियम है क्या, तो इस ट्रेपीजियम की ये दो पैरेलल साइड्स की हाइट कितनी होगी। तो देखो पहली बात तो जो लेफ्ट में आपका है इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू जीरो पे, तो ये हाइट आपकी बन जाएगी u, और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई तो ये हाइट आपकी बन जाएगी v, और आपका बेस है मान लो टाइम t। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितने मिलती है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मैं यहाँ पे लिख दू सम ऑफ पैरेलल साइड्स v प्लस u इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स जो कि यहाँ पे t के बराबर है और होल अपॉन टू, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स को आप फिलहाल डेल्टा एक्स लिखो, बट मैं यहाँ पे साइड में मेंशन करता हूँ कि डेल्टा एक्स इज योर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ओके। तो यही बन गई आपकी बच्चों सेकंड इक्वेशन। इसको आप चाहो तो एक और फॉर्म में लिख सकते हो कि v प्लस यू बाय टू इंटू टी इज इक्वल टू एस। आपने जो 9th क्लास में इक्वेशन सीखी है उसमें आप डिस्प्लेसमेंट को एस लिखते थे, पर अब हमें ज्यादा फॉर्मल डेफिनेशन में आना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका एक सर्टेन इनिशियल पोजिशन से सर्टेन फाइनल पोजिशन तक होता है, तो कभी भी क्वेश्चन पोजिशन भी पूछ लेता है, इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन पूछता है पोजिशन क्या होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स यूज किया है जो कि ज्यादा ईजी रहेगा फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो मेरे पास दो इक्वेशन कौन सी आ चुकी है, पहली इक्वेशन है मेरी v इज इक्वल टू यू प्लस AT, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास डेल्टा x इक्वल टू वी प्लस यू बाय टू इंटू टी। अब मैं थर्ड इक्वेशन बनाऊंगा इन दोनों को यूज करके, कैसे बनेगी समझो। मान लो मैं यहां पर v को जो है रिप्लेस कर दूं u प्लस AT से, तो देखो क्या होगा, अब मेरी थर्ड इक्वेशन बनेगी डेल्टा x इज इक्वल टू, मैं v की जगह लिख रहा हूं u प्लस AT,
तो u प्लस ए टी, ठीक है, और प्लस u एक और है तो यहाँ पे प्लस u, ठीक है, इंटू टी बाई टू, राइट, टी बाई टू बाहर है ब्रैकेट के। अब आप इस फॉर्मूला को रीअरेंज करके देखो, आपको मिलेगा डेल्टा x इक्वल टू ये u प्लस u आपका 2u होगा, 2u इंटू टी बाई टू आपको देगा ut, प्लस ए टी इंटू टी बाई टू आपको देगा ए टी स्क्वायर बाई टू। ये बन गई आपकी बच्चों थर्ड इक्वेशन। ओके, आपने नाइन्थ क्लास में एक्चुअली ये इक्वेशन एक सीखी हुई है और दूसरी ये इक्वेशन आपने सीखी हुई है, ये तो आपका अभी ग्राफ से बन के आता है फॉर्मूला, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हम आते हैं फोर्थ इक्वेशन हमारी। तो देखो ये सेकंड फॉर्मूला में मैंने पहले v को रिप्लेस किया था, राइट, अब मैं v की जगह अगर u को रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, तो यहां से आप जरा देखो, आप u को लिख सकते हो v माइनस ए टी, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे u की जगह डालनी है। लेट्स ट्राई दिस। तो डेल्टा x इक्वल टू v प्लस u आपका होगा v माइनस ए टी, तो v माइनस ए टी इंटू टी बाई टू। अगेन आप इस फॉर्मूला को रीअरेंज करो तो आपको मिलेगा वी टी माइनस ए टी स्क्वायर बाय टू। ये हो गया आपका फोर्थ फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे आप इन दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस ऑब्जर्व करो क्या है। अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, पर इसकी जगह आपके पास फाइनल वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, तो आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बट दैट्स ओके, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं भी रखना, आप सिर्फ ये याद रख सकते हो, रिप्लेसमेंट आप हमेशा यहाँ पे लगा ही सकते हो ऑलवेज। ओके, अब फिफ्थ फॉर्मूला आपका क्या बनेगा। इस फॉर्मूला को वापस देखो, आप v को रिप्लेस कर चुके हो तो थर्ड फॉर्मूला मिला, u को रिप्लेस किया तो फोर्थ फॉर्मूला मिला, अब t को रिप्लेस करो तो आपको मिलेगा फिफ्थ फॉर्मूला बच्चों। तो फिफ्थ फॉर्मूला बनाएंगे हम कैसे, यहां से आप पहले t निकालो, आपको v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो रहा है क्या, तो अगर मैं a को सामने नीचे ले जाऊं तो मुझे t मिल गया। अब ये t की वैल्यू जो है आप यहां पर इसकी जगह रिप्लेस करो, तो करते हैं, तो हमारा फिफ्थ फॉर्मूला कैसे बनेगा, डेल्टा x इक्वल टू वी प्लस यू बाय टू इंटू टी है, तो t को मैं रिप्लेस कर रहा हूं v माइनस यू अपॉन ए से, ठीक है, v माइनस यू अपॉन ए से। अब जरा देखो ये आपको क्या दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मेट दिख रहा है क्या, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये जो 2 इंटू ए है ना उसको आप लेफ्ट में ले जाओ तो आपका बनेगा 2a डेल्टा x। ये हो गया आपका फिफ्थ फॉर्मूला। आपने बच्चों नाइन्थ क्लास में ये पहला फॉर्मूला सीखा हुआ है, थर्ड फॉर्मूला सीखा हुआ है और फिफ्थ फॉर्मूला सीखा हुआ है, पर क्वेश्चन में आपको अगर थोड़ा समय बचाना है तो आप ये सेकंड या फिर फोर्थ फॉर्मूला भी कभी कभी यूज कर सकते हो, पर आप चाहो तो सिर्फ पहले ये तीन फॉर्मूला भी याद रखो, इट्स योर चॉइस, आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। पर मैंने बोला आपको कि भाई छह फॉर्मूला है काइनेमेटिक्स के कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, तो सिक्स फॉर्मूला आपका कैसे आता है बच्चों, सिक्स फॉर्मूला आपका आता है एवरेज वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ध्यान से समझो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, राइट। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आपका क्या होता है, डेल्टा एक्स, सॉरी इसको मैं फिलोसफी टी लिख देता हूं, डेल्टा एक्स अपॉन टी, आप देखो आपको कहीं से इसी फॉर्मूला से मिल रहा है क्या, अगर मैं टी को लेफ्ट में ले जाऊं तो डेल्टा एक्स अपॉन टी बन जाएगा क्या, तो सामने क्या बचता है, वी प्लस यू बाय टू, तो मुझे यहां से क्या मिल रहा है, वी एवरेज इज इक्वल टू वी प्लस यू बाय टू। तो ये हो गया आपका सिक्स्थ फॉर्मूला। अब आपको एक इंपॉर्टेंट नोट क्या याद रखनी है बच्चों, कि दीज फॉर्मूला आर एप्लीकेबल फॉर ऑल सिचुएशंस, ठीक है। जैसा मैंने स्टार्टिंग बोला था कि आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो इसलिए सारे फॉर्मूला ही, चाहे आपकी यू जो है इनिशियल वेलोसिटी वो पॉजिटिव है नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, यू आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, ए आपका पॉजिटिव नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, हर जगह ये फॉर्मूले सारे एप्लीकेबल होंगे। बस कंडीशन आपको क्या लगानी है कि आपका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ओके, अब जरा हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ग्राफ्स को स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो वैसे तो हमने पिछले लेक्चर में ग्राफ्स इन जनरल डिस्कस कर लिए थे काइनेमैटिक्स के, बट अभी हम थोड़ा स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डिस्कस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, अभी वन बाय वन समझ जाओगे, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, तो आप ऑलरेडी देख चुके हो वो आपका बनता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा, दोनों ही हॉरिजॉन्टल है, बस ऊपर या नीचे है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है, इसलिए आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखो मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहे हैं, है ना, तीन टाइप के मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, पर तीनों में आप देखो आपकी लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है,
और अब जरा एक पॉइंट ऑब्जर्व करो आप, फिलहाल मैं डिस्कस कर रहा हूँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में आपकी देखो वेलोसिटी तीनों ही केस में इंक्रीज कर, बस तीनों ग्राफ में फर्क क्या है आप जरा समझो। आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u, यहां पर वो पॉजिटिव है, इस सेकंड केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और जो थर्ड केस है इसमें आपकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, ये तीनों स्पेशल केस में डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कई बार इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, चलो वन बाय वन समझते हैं। अब मुझे एक्स टी ग्राफ बनाना है इन तीनों केसेस। एक्स टी ग्राफ कैसे बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक चीज याद करो कि एक्स टी ग्राफ का डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब एक्स टी ग्राफ आपका क्या होगा, हैप्पी होगा, है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। तो मेरा एक्स टी ग्राफ हैप्पी कैसा हो सकता है, तीन टाइप के हैप्पी फेजेस पॉसिबल हैं, या तो ऐसा, या तो ऐसा, और या तो फिर पूरा फुल स्माइल, करेक्ट। तो फर्स्ट केस में कौन सा हैप्पी ग्राफ आएगा, ऑब्जर्व करो, आपकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी क्या है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप, मतलब आपका बच्चों इनिशियल स्लोप पॉजिटिव होगा, ध्यान दो, आपका ग्राफ ऑलरेडी ऊपर जाते हुए स्टार्ट होगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, p इक्वल टू जीरो पे भी आपके ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि आपका u पॉजिटिव है। ओके, सिमिलरली अब सेकंड केस जरा देखो, आपका u जीरो है तो t इक्वल टू जीरो पे आपका स्लोप जीरो होना चाहिए, मतलब ग्राफ आपका स्टार्ट हॉरिजॉन्टली होगा और धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो ये दोनों ग्राफ ऑलमोस्ट दिखने में एक जैसे लगते हैं, बस आप इनिशियल कंडीशन देखो उसमें फर्क है इन दोनों केस में। ऑलराइट, अब हम आते हैं जरा थर्ड केस पे। तो थर्ड केस में आपका यू नेगेटिव है, मतलब आपका ग्राफ ना इनिशियली नीचे जाएगा, तो ये स्लोप आपका इनिशियली डाउनवर्ड फेसिंग होगा। अब एक चीज और, आपकी वेलोसिटी किसी मोमेंट पे जीरो हो रही है ना, तो वही सेम मोमेंट पे मुझे एक्स टी ग्राफ में ग्राफ को हॉरिजॉन्टल बनाना होगा। तो मान लो आपका ग्राफ यहां पर जाके हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है। और अब आगे क्या करें समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीटी ग्राफ में जरा ऑब्जर्व करो, आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है, यू की वैल्यू नेगेटिव है, मान लो आपका यू इक्वल टू है, लेट्स से वैल्यू डालते हैं, लेट्स से आपका यू जो है इक्वल टू माइनस 5 है अभी, है ना, तो किसी मोमेंट पे तो आपका वेलोसिटी जो है वो प्लस 5 होगी क्या, अभी आपकी वेलोसिटी माइनस 5 है, बाद में वेलोसिटी प्लस 5 होगी। तो मान लो उस मोमेंट पे मैं अगेन एक और लाइन खींचता हूं यहां पे, ठीक है। अब आप जरा पहले तो सिर्फ वीटी ग्राफ को ऑब्जर्व करो, आपकी वेलोसिटी माइनस 5 से 0 जा रही है इन सम टाइम, लेट्स से ये टाइम आपको लगा टी नॉट, ठीक है, टी जीरो मतलब टी नॉट मान लो, ठीक है। तो माइनस 5 से 0 आपकी वेलोसिटी इतने टाइम में जा रही है, तो 0 से प्लस 5 आपकी वेलोसिटी कितनी देर में होगी। अगर आप ऑब्जर्व करो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये हाइट आपकी कितनी है, माइनस 5 से 0 जा रहे हो मतलब ये हाइट 5 है, तो सिमिलरली ये हाइट भी 5 ही है ना, तो दोनों ट्राइंगल में सेम हाइट है तो बेस भी सेम होना चाहिए, मतलब ये लंबाई आपकी टी नॉट होगी, एंड देयर फोर यहाँ पे आपका टाइम हो जाएगा 2t0, ठीक है, t0 प्लस t0 विल बिकम 2t0। तो आपकी वेलोसिटी जो नेगेटिव थी वापस पॉजिटिव कब होगी, ये पूरे इंटरवल में हो जाएगी। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं एक्स टी ग्राफ में, ठीक है, ध्यान दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बोला आपका ग्राफ ना नीचे जाएगा और बाद में वो हो गया हॉरिजॉन्टल, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ऐसे, ठीक है, और फिर वो ग्राफ वापस पॉजिटिव जाएगा, ऊपर जाएगा, क्यों ऊपर जाएगा, मेरे बताऊँ ये स्लोप मेरा थोड़ा अच्छा नहीं बना, मैं इसको फिलहाल छोड़ देता हूँ, ठीक है। देखो यहां से लेके यहां तक आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है पर नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे आपका स्लोप नेगेटिव है पर कम नेगेटिव होते जा रहे हैं, और फाइनली आपका स्लोप हो गया जीरो। अब आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो रही है और वो बढ़ती जा रही है, तो आपके एक्स ग्राफ का भी स्लोप पॉजिटिव होते जाएगा और बढ़ते जाएगा, तो आपका ग्राफ अब वापस ऊपर जाना शुरू करेगा और वो वापस ये पॉइंट पे आके टच कर जाएगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पे समझो क्या हो रहा है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट जो एक्स की पोजीशन यहां पे थी वही सेम पोजीशन यहां पे, मतलब 2t0 टाइम में मेरा डिस्प्लेसमेंट इस मोमेंट पे
जीरो हो गया, ओके, इन टाइम टू टी नॉट। जब आपकी वेलोसिटी माइनस फाइव से प्लस फाइव हुई, उस पूरे इंटरवल में आपका डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है। ऐसा क्यों हुआ जरा देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट लगेंगे, तो इसकी एरिया और इसकी एरिया सेम हो जाएगी, पर ये एरिया नेगेटिव है, ये एरिया पॉजिटिव है, तो दोनों कैंसिल कर गए, तो टोटल एरिया जीरो, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो, इसलिए आप वापस से इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हो, तो आपका ग्राफ यहाँ पे पूरा रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है इसके आगे तो आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना, तो आपका ग्राफ और ऊपर जाएगा, राइट, पर जीरो से टू टी नॉट तक आपका ग्राफ वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ चुका है। ठीक है, अब एक पॉइंट और ऑब्जर्व करो, ये जो शेप है पूरा, है ना, ये पूरा शेप आपका सिमेट्री बना रहा है, एक्सटी ग्राफ हैज सिमेट्री बिटवीन, ये मेरा बिटवीन है जीरो टू टी नॉट, सॉरी जीरो टू टू टी नॉट। ठीक है, क्योंकि जैसा शेप आपका लेफ्ट में है वैसा ही शेप आपका राइट में भी बनेगा। ऑलराइट, हम इसी तरह बात करते हैं बच्चों नेगेटिव एक्सेलरेशन की। नेगेटिव एक्सेलरेशन में आपका जो VT ग्राफ है वो नीचे जा रहा होता है, और देखो नीचे जाने के टाइम वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तीनों केस में स्ट्रेट लाइन बना रहा है। अगेन आप सेकंड थिंग ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सटी ग्राफ बनाया हुआ है, आपका फर्स्ट केस में एक्सटी ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है, सैड ग्राफ है। सैड ग्राफ क्यों है? क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन में एक्सटी ग्राफ सैड होता है, और यहाँ पे क्योंकि आपका यू नेगेटिव है इसलिए आपके एक्सटी ग्राफ का इनिशियल स्लोप भी नेगेटिव है। यहाँ पे क्योंकि यू जीरो है इसलिए एक्सटी ग्राफ का इनिशियल स्लोप जीरो है, यानी कि ग्राफ हॉरिजॉन्टली स्टार्ट होकर नीचे जाना शुरू करेगा। अब थर्ड केस की हम बात करें, यहाँ पे यू पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स आपका ग्राफ इनिशियली ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते वो पलट मार के नीचे आएगा, तो पलटी कब मारेगा? वो पलटी आपकी मारेगा जब वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। ठीक है, एक और लाइन यहां पर खींच देते हैं। अब अगेन जैसे हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन में किया था वैसे यहां पे नेगेटिव में भी करो। मान लो ये आपका टाइम टी नॉट है तो ये टाइम टू टी नॉट होगा, यहां पे आपकी वेलोसिटी मान लो प्लस फाइव है तो इस मोमेंट में आपकी वेलोसिटी माइनस फाइव हो जाएगी, है ना, जितना पॉजिटिव थी उतना अब यहां पे हो जाएगी नेगेटिव। तो ये तीनों मोमेंट्स पे, है ना, t इक्वल टू जीरो, टी नॉट और टू टी नॉट, तो t इक्वल टू जीरो से आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, t नॉट मान लो आपका ग्राफ इधर गया, तो यहां पे ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल हो चुका है क्योंकि वेलोसिटी जीरो, इसलिए ग्राफ यहां पे हॉरिजॉन्टल। देन ग्राफ रिवर्स मारेगा तो वापस वो टू टी नॉट मोमेंट पे इनिशियल पोजिशन पे जाएगा। आया समझ में? तो जब वेलोसिटी आपकी प्लस फाइव से माइनस फाइव हो जाए तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो, और देन ऑब्वियसली ग्राफ अगेन आपका नीचे जाता रहेगा, पर इस पॉइंट पे मैं लिख देता हूं यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट है जीरो। इज दैट क्लियर? तो अब आप क्योंकि ग्राफ्स देख चुके हो इसलिए अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के हम एक्सटी ग्राफ की प्रॉपर्टी समझते हैं क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो एक्सटी ग्राफ है उसकी इक्वेशन क्या है, डेल्टा एक्स इक्वल टू, अगर आप देखो एक यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय टू, ये फॉर्मुला हमको मिला था, है ना, तो डेल्टा एक्स आप क्या लिख सकते हो, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय टू। तो आपका जो एक्स है उसका टाइम के साथ क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई एक्सटी ग्राफ की या एक्स के फॉर्मूला की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्स का क्या बनता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनता है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ग्राफ कैसा होता है, उसका ग्राफ होता है पैराबोला। ठीक है, इसलिए जो मेरे को एक्सटी ग्राफ है, ये ग्राफ या ये ग्राफ मिला, ये तीनों ग्राफ क्या है, पैराबोला ग्राफ हैं। सिमिलरली नेगेटिव एक्सेलरेशन में भी ये और ये ग्राफ तीनों क्या है, पैराबोला हैं। ठीक है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में पैराबोला आपका ऊपर फेस करता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में पैराबोला आपका डाउनवर्ड फेसिंग या फिर सैड ग्राफ होता है, सिंपल। ठीक है, तो ये सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटी ग्राफ आपको याद रखनी होंगी।